तलाटी पूरे हिंदुस्तान का स्वागत करती हूँ इस कॉमेडी शो में जिसका नाम है हांडा जैज प्रेजेंट्स देख इंडिया देख कॉमेडी का नया जश्न। और हमेशा की तरह सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने दोनों जजेस का, हसी और हसीना का डेडली कॉम्बिनेशन अर्चना पुरन सिंह और हसीन हसीनाओं का एकमात्र डेस्टिनेशन शेखर सुमन। हमेशा की तरह अब बारी है ट्विस्ट की। जनता की बेहद मांग पर आज हर जोड़ी को हमने दिया है एक तीसरा पार्टनर। आइए मैं आवाज देती हूँ आज की पहली तिकड़ी को। आपको पता है किसी भी शो को हिट बनाने में सबसे बड़ा हाथ राइटर्स का होता है। अरे पैर तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि वो लिखते तो हाथ से ही है। प्लीज वेलकम कृष्णा सुदेश और उनकी स्क्रिप्ट लिखने वाले आ रहे हैं सुनील सावरा। जब देखो गाना शुरू हो जाए नाचना शुरू हो जाते हैं। हैं? और ये क्या पहना है, सूट पहन के नहाए थे क्या? भक साला भक। ऑडियंस आप सबको मेरा नमस्कार, शेखर जी आपको मेरा नमस्कार, नमस्कार। और तो और अर्चना जी को भी मेरा नमस्कार। अर्चना जी को भी नमस्कार? मैं पागल हो गया, अर्चना जी को तो नमस्कार करना ही पड़ेगा। अर्चना जी कर दो नमस्कार, चल अब आइटम शुरू कर। अरे आइटम नहीं तो शुरू किया है क्यों श्वेता? तो यार मैं अपनी आइटम की बात कर रहा हूँ, शुरू कर। अरे क्या शुरू कर सुदेश जी? देखिए आज मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है यार। यार जब तेरे पास स्क्रिप्ट होती है तब कौन सा तू अच्छा करता है? ओए क्या समझता है तू अपने आप को? आज तुझे जो चार आदमी जानते हैं ना मेरी वजह से जानते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, तेरी वजह से सिर्फ मुझे चार लोग ही जानते हैं, बाकियों को तो मैंने खुद जन्माया। मैं सुदेश लहरी अमृतसर वाला, थैंक यू। शुरू कर। अरे क्या शुरू करो यार, मैं बोर हो चुका हूँ, जजेस भी बोर हो चुके हैं, वही स्टैंडिंग ओवेशन टेन 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 टेन। अरे कमाल हो गया, माइंड ब्लोइंग हुआ हुआ। अरे कुछ नया करो यार। तुम्हें जान के खुशी होगी कि मैंने बहुत बढ़िया राइटर ढूंढ लिया है, बहुत बढ़िया डायरेक्टर, क्या एक्टर, सब कुछ वो है। राइटर बहुत ही प्यारा है लेकिन बहुत बिजी होगा यार। नहीं नहीं पीछे खड़ा कहता जब भी काम हो सीटी मार देना। अभी बजाता हूँ मैं सीटी। आसमान को आच्छादित कर मेघ लगे बरसने, अचानक सन सनाते शमशान में रेशमिया गाने लगा। अचानक लड़के ने लड़की को देखा, फिसल गया कीचड़ में अचानक, और उसका तो सिर्फ हाथ पकड़ा था, पांव भारी हो गया अचानक। फिल्मों में हिट हो गया शेखर जी का अध्ययन अचानक, 6 महीने से खाली बैठा था मैं, काम मिल गया मुझे अचानक। और कमाल की खूबसूरत दिख रही है श्री अर्चना जी अचानक। ये क्या किया अचानक? अर्चना जी को श्री क्यों बोला बे? श्री कहते वक्त तेरी मति मारी गई थी। सुदेश जी नमस्कार। हाय हीरो। ये हीरो किसको बोला रे? अरे जब कंफर्म नहीं है तो भड़क क्यों रहे हो? ये चल नाम बता तेरा। अरे नाम में क्या रखा है? नहीं वो तो पता है पर फिर भी तू बता दे क्या है। मुझे पद्मभूषण, पद्मश्री, साहित्यश्री, तनुश्री, राजश्री, श्री लेखक कुमार अचानक कहते हैं। अरे इतना सब कौन कहता है तेरे को? ये सब नहीं कहते इसलिए मैं खुद ही कह लेता हूँ। ओए राइटर कुमार, ओए राइटर कुमार बोला मैंने, कुमार मार नहीं। ये तेरा लेखक अचानक नाम किसने रखा है? अब क्या है ना, मैं दुनिया में आया अचानक। मेरे मम्मी पापा मुझे दुनिया में लाने का प्लान कर रहे थे, दूसरे दिन मैं पापा के साथ टेबल पे नाश्ता कर रहा था अचानक। तब से मैं हर काम करने लगा अचानक। लेकिन भैया मैं यहाँ पर अच्छी कॉमेडी करने आया हूँ। यहाँ अच्छी कॉमेडी नहीं चलती। समझ गया। समझ गया क्या? बहुत अच्छी चलती है। क्या समझ गया? मैं सब लिखूंगा, मेरे शब्दों में यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार आते हैं, सब अलंकार। नमस्कार, यही है हमारे संस्कार, दफा है यहाँ से। कोई हर शब्द में कार लेके आ रहा तू? क्या ना भाई, मैं इतना गरीब लेखक हूँ, मैं कभी अपने घर के अर्थ पर कार नहीं ला पाया, इसलिए मैं शब्दों में कार लाता हूँ। बेचारा है, जाने दो। अच्छा ये बताओ कितने सालों का एक्सपीरियंस? अरे सर 4 सालों और 3 सालियों का जबरदस्त एक्सपीरियंस है मुझे। साले सालियों की बात नहीं कर रहे, राइटिंग राइटिंग। इससे पहले कहां लिखता तो ये बताओ से। दीवार के सारे डायलॉग्स मैंने लिखे हैं। हाँ? वो जो लिखा होता ना, थूकना मना है, पेशाब करना मना है, मर्दाना कमजोरी के लिए हाशमी दवा खाना में मिले बस स्टैंड के पीछे,
बेटा इसका मतलब तूने अच्छी स्क्रिप्ट कभी नहीं लिखी हा? अरे क्या बात कर रहे हो यार, मैंने परम निर्माता परम निर्देशक प्रातः स्मरणीय आदरणीय श्री रामू जी की हॉरर फिल्में लिखी हैं। फिर तो कॉमेडी तू ही लिख सकता है। हमारे लिए क्या लिख के लाया? अभी हम खोल के दिखाते हैं। ओए स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। और ये झोले से लैपटॉप निकालूंगा, इसको खोलूंगा। सुदेश जी तभी तो बता पाऊंगा क्या लिखा हूँ। लैपटॉप का राइटर लायो। जब इसी से पढ़ना था तुझे तो ये लैपटॉप कहाँ लेके घूमा? सॉरी कृष्णा, देख मैंने तुम्हें कभी आज तक कहा कि जब कॉमेडी मैंने ही करनी है तो तुम्हें लेके क्यों घूम रहा हूँ? जाने दो जाने दो। अच्छा एक बात बताओ भैया, एक स्क्रिप्ट कितने टाइम में लिख लोगे? ये क्या है ना, ये पेमेंट पे डिपेंड करता है। अगर पेमेंट नहीं मिली तो ये घंटे का काम है, और पेमेंट मिल गई तो आधे घंटे का काम है। शेखर जी देख लो, अगर 350 वालों का ये हाल है तो फिर हजारों लाखों वालों का क्या होगा? मेरी बेइज्जती हो गई अचानक। मैं हूं कल्पना का कल्पान कल्पित कबल कवायत, मैं हूं कभी कभी श्री कभी बार। थैंक यू सर, थैंक यू। जीरो बंदा तू। अबे ये तो तेरे से अच्छा सुदेश जी बोल लेते हैं। सुदेश जी छू इंगड़ जिंगड़ पिंगड़िया पड़की चढ़की कड़के एक चापड़ी की पौगड़ा पड़की चढ़की कड़के एक। एक में और उनमें से काफी फर्क है। क्या फर्क है? भाषा का फर्क है। अरे कोई फर्क नहीं है, मैं बताता हूँ। इनकी जो भाषा है ना उसका मतलब है, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुम मतलब की बात कर, जो तेरे पास आज तक तुमने सबसे अच्छी स्क्रिप्ट लिखी हो वो हमें दे दे। यार अच्छी स्क्रिप्ट मैं यहीं आकर लिखने वाला था, लेकिन जो मैं लिख के लाया हूं ना वो सुनो। स्क्रिप्ट के पहले ही डायलॉग में जबरदस्त कॉमेडी है। कहा था ना तेरे को कॉमेडी है, बहुत मजा आएगा। कॉमेडी आ गई, अब दूसरा डायलॉग सुनो। आपको स्टेज पे आते ही शेखर जी और अर्चना जी को देख के बोलना है हाय हेलो हाउ आर यू। पर इसमें कॉमेडी क्या है? अबे जब इस मुंह से इंग्लिश निकलेगा ना तो कॉमेडी ही लगेगी। अब दोनों के एंट्री के बाद आप गाने से शुरू करेंगे। अच्छा ठीक है। अरे एंट्री के बाद करेंगे बे, जब देखो। और आपको एक डांस करना है। अच्छा हाँ। अबे सुन, 150 सालों से हम यही करते आए हैं, हाँ, और यही इसके 10-10 नंबर स्टैंडिंग ओवेशन मिला है हमको। अबे इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि ये सब करने के बाद आपको स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिलेगी। शेखर जी मैं इतना कहना चाहता हूँ, राइटर सारे बैठे हैं, जो भी हैं राइटर, कोई छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, अगर हम कलाकार लोग इसको नहीं उठाएंगे तो कोई उठा नहीं सकता। उधर से उठाओ इसको। आप यही रहना, मैं कूड़ा फेंक के आया अभी। अर्चना कैसा लगा राइटिंग सेशन? वेलकम सुनील सावरा, वेलकम बैक टू द स्टेज एंड बोथ ऑफ यू। यार तुम्हारी कोई दुश्मनी, उसको मार मार के क्या हालत है? जो नयापन आया इस एक्ट में, वेरी 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 गुड, वेरी वेलकम। आपको सुदेश और कृष्णा के रूप में देखकर स्टेज पर बहुत अच्छा लगा, ये भी एक नयापन था। सो इन टोटैलिटी आई एम वेरी मेसमराइज बाय दिस एक्ट एंड आई फाइंड इट वेरी 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 डिलाइटफुल, वेरी वंडरफुल, वेरी नाइस। मैं समझता हूँ ये एक्ट जो था वो नए पंचों से सुसज्जित था। सुनील बहुत मार खाए तुम, और बहुत स्पोर्टिंगली मार खाए, और ये हर राइटर और हर कवि का हक होता है। हमने कई दर्द सहे, हाँ, तब जाकर 2-4 लिखे, उन पे भला क्या बीती होगी जिसने गीत 1000 लिखे। बहुत अच्छा। पर इसमें कुछ पंचेस बहुत अच्छे थे, जो तुम्हारा लैपटॉप से कागज निकालना, और फिर उसका ये कहना है कॉमेडी मैं ही करता हूँ फिर तुम्हें क्यों लाया जाता है। दोस अ वेरी न्यू थॉट्स। ये जो टिगड़ी है आप तीनों की, वो बहुत कमाल की, बहुत इफेक्टिव, एंड इट वॉज अ वेरी 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 गुड एक्ट। I would like to give you a terapon. Oh, thank you, sir. Give you a 9. Thank you, judges. इतिहास गवाह है कि आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, एक लड़की के लिए ही हुई हैं। लेकिन आज पहली बार राखी के लिए लड़ाई हो रही है।
बादशाह अकबर और बीरबल के बीच छिड़ चुकी है जंग राखी के लिए। आइए देखते हैं अकबर की ताकत जीतती है या बीरबल का दिमाग। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अकबर राजेश, राजीव एज बीरबल एंड रागिनी एज राखी का। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बीरबल तुम भी? क्यों, हम कहीं से हैंडीकैप है क्या, हम शादी नहीं कर सकते? नहीं, जब राखी के स्वयंवर में हमने टांग अड़ाया है तो तुम बीच में फुदक कह रहे हो। टांग अड़ाने से कुछ नहीं होता है, टांग की कोई वैल्यू नहीं होती, समझे? राखी से हम बहुत प्यार करते हैं, चाहो तो मेरा नार्को टेस्ट करवा लो। बुढ़ो, ये शादी का मसला है, सिर्फ नार्को टेस्ट से काम नहीं चलेगा, बाकी के टेस्ट कौन तुम्हारा बाप कराएगा? बाकी का टेस्ट तो बाद में करवा लेंगे, फिलहाल हम राखी से मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं। देखो, राख में मिलने की उम्र है, राखी से मिलने जा रहा है बुड्ढा। अरे बुढ़ो, पिंडदान की उम्र है, कन्यादान लेने की उम्र नहीं है। ये बीरबल तुम एकदम बदतमीज हो। बदतमीज? किसने बोला बदतमीज? Where is media? Where is media? नहीं, तुमने बोला? नहीं, राखो डार्लिंग, मैंने तो इस चिरकुट को बोला। क्या आपने इन्हें चिरकुट बोला? अब जानते कि ये कौन है? ये बीरबल है, बीरबल, इनके पास हर सवाल का जवाब है। और तुम्हारे पास जो सवाल है उसका जवाब हमारे पास है। तुम्हारे जवाब से ये खुश नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि छोटे मोटे जवाब से खुश नहीं होती है, इनको बड़े जवाब पसंद है। मंजे का है? मंजे मतलब कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछ के देखो। अच्छा, हाँ। राखी, हाँ। तुम स्वयंवर क्यों कर रही हो? देखो, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मैं आज तक गणपति बापा की कसम खा के कह रही हूँ कि मैं आज तक जहाँ पहुंची हूँ, मैं अपनी मेहनत और कड़ी लगन से पहुंची हूँ। मैं आइटम गर्ल हूँ, मैं नाचती हूँ, सो व्हाट्स? क्या मेरा घर बसाने का हक नहीं? मैंने अविजया कविस्ती को थप्पड़ क्यों मारा? व्हाई? क्यों व्हाई? क्योंकि उसने मुझे नहीं मारा। मैं चाहती हूँ कि पूरा हिंदुस्तान जाने कि मैं कितनी पवित्र और सती सावित्री हूँ। मैं मीडिया से बताना चाहती हूँ कि मैं बस 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 यार, इतना बड़ा जवाब। ये राखी है, इनका जवाब बड़ा ही होता है। मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? टेल। पूछो पूछो, मेरे पास सॉलिड जवाब है। बीरबल, टेल। ये बीरबल से नहीं, हमसे पूछो। नहीं, हमसे पूछो। नहीं, हमसे पूछो। नहीं, हमसे पूछो ना। पूछो ना। अच्छा ठीक है, इसी बुड्ढे से पूछ लो पहले। पूछो। आपसे पूछो। चाचा जी, आपकी तबीयत कैसी है? बेड़ी तबीयत का क्या? यार तबीयत के बारे में क्यों पूछ रहे हो, सवाल पूछो ना। अगर इस सवाल का जवाब आपने करेक्ट दे दिया तो आप एक ही सवाल में मेरे हस्बैंड। ओके, पूछो। डन डन। आपकी 13वीं कब है? बीरबल। अरे मुझे क्या पता तुम्हारी 13वीं कब है? अरे हम तुमसे पूछ नहीं रहे, डांट रहे हैं। कैसे कैसे सवाल इसके कान में डालते हो यार? अरे उसको समझ में नहीं आता, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। आप दोनों इतना झगड़ रहे हैं, शादी के बाद भी आपके मुझसे ऐसे ही झगड़ेंगे? हम शादी झगड़ा करने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो शादी कर रहे हैं। अरे एक बात बताओ, शादी के बाद तुम तो झगड़ा नहीं करोगी? मैं क्यों झगड़ूंगी? नहीं नहीं, करना पड़ेगा। काहे? क्योंकि बुड्ढा रात में 10 बजे ही सो जाता है। बीरबल तुम हमें नीचा दिखा रहे हो। जैसा है वैसा दिखा रहा हूँ। तुम दोनों मुझे बताओ, तुम लोग दोनों मेरे लिए क्या कर सकते हो? राखी, हम तुम्हें वर्ल्ड टूर पे ले जा सकते हैं। मत जाना, वापस अकेले जाना पड़ेगा। राखी, हम तुम्हारे लिए बच्चा गोद ले सकते हैं। बस ये बच्चा गोद ले ही सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। आप मुझे हनीमून पे कहाँ लेकर? अच्छा हनीमून पे, देखो मैं तुम्हारे लिए हनीमून मैं बता नहीं, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, हनीमून मैं बता रहा हूँ। बीरबल, हम अकबर है, प्लीज यार। तुम्हें हनीमून के लिए कौन सी जगह पसंद है? तमिलनाडु। चलेगा चलेगा, हनीमून के लिए तमिलनाडु क्या, मेघना नायडू भी चलेगा। What? थप्पड़ क्यों मारा यार? या मेघना नायडू जगह का नाम नहीं है, आइटम का नाम है बुढ़ऊ। बीरबल, हाँ। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं कहने पे विश्वास नहीं रखता हूँ मैं।
मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हनीमून में ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ से तुम्हें वापस आने का मन नहीं करेगा। अब छोटे छोटे बच्चे होंगे, तुम मुझे मारोगे? हम मारेंगे बेल से। अरे यार रहने दो तुम लोग, ताकि बताओ ना फाइनली तुमने क्या डिसाइड किया, किससे शादी करोगी? मैं वो बोलो अर्चना से। अर्चना से पूछ लेते हैं कि शेखर जी मेरे लिए कैसे हैं। अर्चना क्या लगता है किसकी होगी राखी? फर्स्ट ऑफ ऑल रागनी वेलकम, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। एक्ट में थोड़ी कमी थी, कुछ लिखाई में, कुछ टाइमिंग में, और मोस्टली आई थिंक लिखाई में। इट वॉज नॉट अ बैड एक्ट, लेकिन पंचेस कहीं उतने तगड़े नहीं पड़ रहे थे। ये एक्ट मुझे ऐसा लगा कि कहीं कहीं ये गिर रहा है, फिर बाद में संभलेगा। द ग्रेटेस्ट आयरनी के इतने अच्छे एक्टर्स जो हैं वो रहने के बावजूद वो एक्ट जो है वो संभल नहीं पाया और गिर गया। बट वी डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि आप तीनों जब अगली बार आएंगे तो इट्स गोना बी हेल लॉट बेटर देन इट वाज दिस टाइम। स्कोर्स प्लीज। 8 Yeah. Thank you. I'm giving 8. Thank you guys and thank you judges. कोई अपनी मर्जी से बर्बाद तब होता है जब वो शादी करता है, लेकिन शादी होने के बाद दोबारा बर्बाद होना, यानी कि दूसरी शादी करना, ये तो भगवान जिसे हिम्मत देता है वही कर सकता है। लेकिन भगवान ने जिसे हिम्मत के अलावा सब कुछ दिया हो, वो ऐसी हिम्मत दिखाए तो क्या होता है, आइए देखते हैं। प्लीज वेलकम गौरव एज मालती, पति बनवारी लाल झोल और उसकी पत्नी राजीव ठाकुर एज चिंदोष पैण। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा, हाय रामा। चढ़ती और उतरती जवानी दोनों ही बड़ी खतरनाक होती है। क्यों शेखर जी, आप पे तो दो दो बार चढ़ी है ना जवानी। मेरी चढ़ती जवानी ने मुझे मजबूर किया कि मेरा भी बॉयफ्रेंड हो, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड उसकी ढलती जवानी है। तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा ये दिल दीवाना रे, तू कहाँ। क्या बात है, आज दिन में ही रात वाले गाने गा रहे हो। मालती जी दिन हुआ तो क्या हुआ, मगर मेरे दिल में फीलिंग्स तो रात वाली है ना। मुझे देख के तुम्हें कोई डायलॉग याद नहीं आ रहा? क्यों नहीं, अभी लो। मैं तेरे दूध का कर चुका दूंगा माँ। अगर मैं रोमांटिक मूड में ना होती ना तो इतनी जोर का थप्पड़ लगाती कि अपनी सगी माँ को भी आंटी कह के बुलाता। ये रेशमी जुल्फें, शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। मर गया। गंदी फिल्मों के हैरी पॉटर है। पुलिस का छापा। पुलिस नहीं, ये इसकी बीवी का छापा है। क्या तुम मैरिड हो? नहीं, शौक के लिए रखी है बीवी। दर फिटे मु तेरा। शेखर जी पहला जिंदगी में मैंने आदमी देखा है जिसको बचाने के लिए मुझे रोज करवा चौथ रखना पड़ता है। और तू इसके साथ क्या गुल खिला रही थी? मैंने इन्हें ब्रेक देने के लिए बुलाया है। मैं समाज सेवा पे एक एड फिल्म बना रही हूँ और फैमिली प्लानिंग की एड है, इनको काम दे रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। सिर पे इसके बाल नहीं है, मुंह पे इसके खाल नहीं है, देखने में ऐसे लगता जैसे जेम्स बॉन्ड को शुगर होगी होती है। जैसे कोई क्रिया पे नहीं बुलाता पर तुझे कर्म पे बुला लिया, मुझे तो तेरा कोई और ही कार्यक्रम लगता है। अरे क्या बक रही हो, समझा करो, इसके पास एक पाउडर का भी ऐड है, हो सकता है उसमें तुम्हें चांस दे दे। ठीक, इसकी शक्ल देखिए, कोई इसे सीमेंट की ऐड में ना ले। ज्यादा बकवास मत कर, मुंह पे वैक्स करने वाली औरत तुझे मैं दिखाऊं फिर? तू क्या दिखाएगी, मेरे में तुझसे ज्यादा है गुस्सा। एक ही एक्सप्रेशन से सारे एपिसोड निकालने वाली औरत, इसका ऑडिशन ले। ठीक है इस लाइन को बोल के दिखा। मेरे 12 बच्चे हो गए, काश मैंने फैमिली प्लानिंग की होती। इसकी सेहत देख के तुझे लगता है कि ये 12 बच्चे पैदा कर सकता है? क्यों, मेरी सेहत में क्या कमी है, ये देख मेरे डोले। लो बंदा पूछे कि बच्चे डोले से पैदा करने हैं। ओए बच्चे अगर डोले के हिसाब से पैदा होते ना, सनी देओल के घर में पूरी क्रिकेट टीम होती और अर्चना जी के घर में ऑडियंस। ओह गॉड। सुहाग रात को मैंने इसे कहा कुछ ऐसा कर
कि मुझे चक्कर आ जाए। कमीना, मेरे पैर बांध के पंखे पर टंगा दिया करो। ले बहन, ये इतना कमीना है, मैंने इससे कहा बिल्कुल डायरेक्टली कि मुझे लूट लो, ये कमीना मेरे ब्लाउज में से 50 रुपए निकाल के भाग गया। उससे ज्यादा कुछ था ही नहीं, मैं क्या करता। तू इधर आ जरा, तूने ज्यादा बकवास की ना तो देख ली, मैं ना तेरे जैसे के मुंह पर ऑन द स्पॉट खड़े खड़े इतने पंच बना लेती हूँ जितने रातों रात दही में कीटाणु नहीं बनते। मालती जी चुप करो, बदसूरतों के इंडियन आइडल सिंधु डार्लिंग। डार्लिंग तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा सारा खानदान, तेरे जैसे तुम्हें खड़े खड़े तलाक दे दूं, 1 2 3 तलाक। तो और दे भी क्या सकती है, ये तलाक दे रही है कि रेस लगा रही है। तुझे भी तलाक। आईशो तलाक। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव इट। अब तुम फ्री हो, हैंडसम, हम चल के शादी कर लेंगे। वो देखो बैठी मेरी माँ। ओह सासू माँ प्रणाम। कमाल है भाई, मालती की माँ मालती से भी ज्यादा ही माल है भाई। जजेस कैसे लगे, पत्नी पत्नी और ये वो? गौरव तुम्हारे पुराने एक्ट्स जो है वो दे वर लाइक जो तुमने किया वो बहुत उसमें तुम कॉन्फिडेंट रहती हो। आई मस्ट एडमायर हाउ एवर राजीव ठाकुर, उन्हीं की एनर्जी की वजह से और उनके स्पॉन्टेनिटी की वजह से ये एक्ट थोड़ा बहुत बच पाया। एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने कहा कि एक ही एक्सप्रेशन पे कई एपिसोड चलाने वाली औरत। आई थिंक दैट वॉज द मोस्ट ओरिजिनल लाइन। थैंक यू। यू नो एज एन एक्ट, हालांकि मुझे परफेक्ट एक्ट नहीं लगा, लेकिन ऐसा कौन सा एक्ट हो सकता है जिसमें एक उतार चढ़ाव ना हो। लेकिन राजीव कई कई आपके पंचेस बहुत अच्छे थे, बीच में कहीं लिखाई में हल्का सा गड़बड़ लगा कि वो जबरन भी लग रहे थे थोड़े पंचेस। आई वॉन्ट टू गिव यू 8। थैंक यू जजेस, थैंक यू गाइज। अरे यार क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ हाँ, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम कभी सीधा नहीं हो सकते। क्या बात कर रही हो यार, मैं तो सीधा हूँ, शेखर से पूछ लो। I mean, दुनिया में किसी से भी पूछ लो, I am 100% straight। और अगर सीधा नहीं होता तो तुमसे प्यार क्यों करता, अपने हाथ पे ये टैटू क्यों करवाता? करो ना इफ यू लाइक इट। Wow! 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 Karan Bedi! Hey, chup! आपको शर्म नहीं आती? एक अच्छी खासी महिला का नाम बिगाड़ के रख दिया आपने, हाँ? और नाम लिया भी तो उसका, जिससे ज्यादा मर्द तो मैं हूँ। आज की कार्यवाही हम शुरू करते हैं। हमारी आज की अदालत में केस लेकर आए हैं कैफ अली खान और सरीना कपूर का। आइए देखते हैं ये दोनों एक दूसरे पर क्या क्या इल्जाम लगाते हैं। पहले कौन लगाएगा? मैं। हर बार तुम क्यों? इस बार मैं पहले लगाऊंगी। Shut up. इस अदालत में एक दूसरे को डांटना अलाउड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं डांटती हूँ। सरीना इल्जाम लगाओ। ये बार बार वाव वाव करते रहते हैं, इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। पर वाव करना तो तारीफ करना होता है, तो इसमें तकलीफ क्या है? ये मुझे देख कर वाव नहीं करते, दूसरी लड़कियों को देख कर वाव वाव करते रहते हैं। वाव देखो फिर से किया, इसे मुझसे ज्यादा खूबसूरत आप जैसी लड़की लगती है। सच कह रही है ये? मेरा मतलब है कि ये जो इल्जाम आप पे लगा रही है कि आप दूसरी लड़कियों पर लाइन मारते हैं, क्या ये सच है? अरे यार ये झूठ है यार। कैसे साबित करोगे इस बात को? आप लड़की हैं। हाँ तो क्या मैंने आप पे लाइन मारी? मेरी ऐसी किस्मत कहा। हाँ? मेरा मतलब है नहीं मारी, नहीं मारी। बस यार तो साबित हो गया। हाँ हाँ ये बात तो साबित हो गई कि ये दूसरी लड़कियों पर लाइन नहीं मारते हैं। चलो कैफ अब तुम्हारी बारी है। मेरा इल्जाम है कि ये मेरे बच्चों से प्यार नहीं करती। सरीना बच्चे इतने नेक दिल और मासूम होते हैं और तुम उनसे प्यार नहीं करती, क्या ये सच है? बिल्कुल झूठ है, दुनिया जानती है मैं बच्चों से कितना प्यार करती हूँ। और इसे साबित करने के लिए इससे पहले मैंने एक बच्चे से ही तो प्यार किया था। जब भी मैं इंडिया में रहती हूँ और ये इंडिया के बाहर जाते हैं तो ये मुझे किसी भी पार्टी में जाने के लिए परमिशन नहीं देते। कैफू तुम ऐसा करते हो? अरे यार क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भी वही हो जो बेचारे शाहिद के साथ हुआ। एक महीने के लिए वो इससे दूर चला गया और ये हमेशा के लिए उससे दूर और मेरे पास आ गई यार। फिर तो तुम बिल्कुल ठीक करते हो, लेकिन अभी तक तुम दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो जो इल्जाम लगाए हैं वो बिल्कुल हल्के हैं। हम तुम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को पैसा देकर इस शो में क्यों बुलाते हैं? इस शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए जब मैं काजल लिपस्टिक और मस्कारा लगा सकती हूँ तो तुम दोनों एक दूसरे पे भारी भारी इल्जाम नहीं लगा सकते? मैं लगा सकता हूँ तो लगाओ। ऑर्डर ऑर्डर
मेरा इल्जाम है कि ये 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 मेरे कहे सुने में रहती नहीं है, बस हमेशा अपनी मम्मी और अपने बहन के कहे सुने में रहती है यार। ओ, सरीना, इतनी बड़ी फिल्म स्टार होने के बाद तुम टच्चे डेली सोप एक्टर की तरह बिहेव करती हो, अभी भी अपनी मम्मी और अपने बहन के कहने में सुनती हो? हाँ, क्योंकि ये भी वैसा ही करते हैं, ये भी अपनी मम्मी और अपनी बहन का कहा सुनते हैं। दोनों तरफ से एक ही इल्जाम है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी बहन से ज्यादा भारी है और इसकी मम्मी से ज्यादा भारी है। ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि किसका इल्जाम ज्यादा भारी है। मेरा सर बहुत भारी है। हाँ, मेरा लास्ट इल्जाम सुन लीजिए, आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। ये बेवफा है। ये सही करिए। अरे यार, ये बिल्कुल झूठ है यार। देखो, जब मैं इसके साथ होता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में सोचता हूँ। बाकी टाइम किसके बारे में सोचते हो? अरे मैं यह इल्जाम लगा रही हूँ और तुम दोनों होगी। वेरी गुड, मुझे तुम्हारा ये इल्जाम सबसे ज्यादा पसंद आया, इसलिए मैं अपना फैसला सुनाती हूँ। तुम दोनों एक दूसरे से शादी करने के लायक नहीं हो। क्या? हाँ, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे से आजाद हो। कैफू, तुम इसे आजाद हो, समझ रहे हो ना? क्या हो? हम दोनों इस कोर्ट में शादी करने आए थे और तुमने तो शादी से पहले डिवोर्स करवा दिया। क्या तुम दोनों एक दूसरे से शादी करने आए थे तो एक दूसरे पे भारी भारी इल्जाम क्यों लगा रहे थे? हम देखना चाहते थे यार कि हम पे जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो कहीं सच तो नहीं। हाँ, और आपने हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। जाओ अभी चुपके उसके साथ। इनके डाउट तो क्लियर हो गए, अब मैं अपना डाउट लेके कहाँ जाऊँ? इतनी मुश्किल से एक बेवफा मिला था, दूसरा बेवफा कहाँ से लाऊं? थैंक यू। अर्चना, क्या फैसला करेंगी आप? तुलिका, यू लुकिंग अमेजिंग, एब्सोल्युटली। और आप तो जब अंदर आए तो वाकई लग रहा था आप कैफू ही है। एंड अर्चना, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। मुझे इस एक्ट में स्क्रिप्ट की थोड़ी कमी लगी। अर्चना, आपकी टाइमिंग बहुत बढ़िया है। स्वप्निल, आप दोनों की परफॉर्मेंस पे मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती, बिकॉज यू आर बोथ वेरी वेरी टैलेंटेड। आपने बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेज दिए, लेकिन इस एक्ट के बारे में जो मैं बोलूँगी वो वही कि दिस एक्ट डिड नॉट सूट योर टैलेंट्स। आपके टैलेंट बहुत ज़्यादा हैं और एक्ट उतना उसको जस्टिफाई नहीं कर पाई। बट अर्चना, यू डिड अ वेरी गुड जॉब ऑल्सो, एंड वी होप टू सी मोर ऑफ यू। थैंक यू। अगर ये एक्ट अच्छा निकल के आ जाता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। इन एनी केस, द काइंड ऑफ मेकओवर दैट शी इज गॉन फॉर, otherwise you would have given me more marks. Then I would have given you 10 for your makeover, which would have seemed like I'm giving it for the act, jo ab main nahi kar sakta. Aap log ne अपने तरफ से बहुत कॉम्पिटेंटली परफॉर्म किया, बट चूंकि उसमें बेसिकली इंट्रिंसिकली वो क्वालिटी नहीं थी उस जो होनी चाहिए, दैट्स व्हाई इट वाज जस्ट फॉलिंग अपार्ट। एज अ सेट ऑफ एक्टर्स, आई थिंक यू आर वेरी वेरी कॉम्पिटेंट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। शेखर, अर्चना, अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती ना तो शायद एक डिटेक्टिव होती, क्योंकि वो सब ढूंढने में इतने माहिर होते हैं। लेकिन फिर सोचा कि मैं एक्ट्रेस होकर एक अच्छा रोल नहीं ढूंढ पा रही हूँ, डिटेक्टिव क्या खाक बनती? ऐसे ही दो डिटेक्टिव ढूंढने आ रहे हैं एक विधवा का खोया हुआ मंगलसूत्र। प्लीज वेलकम जासूस अली एंड वीआईपी और विधवा लेडी विभा। दो जासूस करे महसूस ये दुनिया बड़ी खराब है, कौन है सच्चा कौन है झूठा हर चेहरे पे नकाब है। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो। जी 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 नमस्ते यार कदम, हम लोग की पोस्टिंग तो सीआईडी में हो गई है, लेकिन हमें तो जासूसी करनी भी नहीं आती। तुम जासूसी की बात कर रहे हो जी? मुझे तो नौकरी भी करनी नहीं आती जी। तुम्हें तो ठीक से मिमिक्री करनी भी नहीं आती। ये बताओ कि हम लोग कैश सॉल्व कैसे करेंगे? चुमाला, ये काले, तूने जेम्स बॉन्ड का नाम सुना है? दो ही चीज इसको आते करने के लिए, कैश सॉल्व और लड़की पटाने का। ये लंबी लंबी लड़कियां, ये सेक्सी सेक्सी लड़कियां, झट से उसको चिपकती है और फट से उसके गाल पर पप्पी देती है। बस ये देवा, बस मैंने डिसाइड कर लिया। आज से मैं जेम्स बॉन्ड। टा 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 टा। इधर तू बॉन्ड बना, उधर से लड़की की एंट्री हो गई। क्या बात कर रहा है? टाउ।
तू ने तो बोला था मस्त में गोरी चिकनी मस्त लड़की आएगी रे बाबा। एक काम कर तू जेम्स बॉन्ड बन। इफ यू इंसिस्ट। हे नागिन मुनी, हाय आई एम खान, जेम्स खान। ये बताओ क्या केस सॉल्व करना है तुम्हें? जी मैं विधवा हो गई थी। ओह आई एम सॉरी। तो तुम ये चाहती हो कि हम तुम्हारे पति के कातिलों को ढूंढे? हाँ अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरी फिर से शादी हो गई। मंजे तेरा पति ढूंढ के देने का है? अरे नहीं मेरी पूरी बात तो सुनो। जब मैं विधवा हो गई थी ना तो मेरी गली में एक सोने का मंगलसूत्र हुआ करता था। Bloody hell. This is nothing but an old outdated case. अरे नहीं नहीं। अब जब मेरी दोबारा से शादी हो गई है तो मेरा वो सोने का मंगलसूत्र नहीं मिल रहा। ठीक है ये बताओ तुम्हें किसी पर शक है क्या? और किसी पर नहीं, मुझे एक गुंडे पे शक है जो कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये चमाले तेरे पीछे गुंडा, हट। तेरे पीछे तो तेरे कोई आगे भी नहीं पड़ सकते हैं। तुम ये कैसे कह सकते हो? देखो नागिन मुनि, मक्खी भी मिठाई पर तब बैठती है जब वो ढकी भी ना हो, और तुमने तो पूरी मच्छरदानी लपेटी हुई है। हाँ। देखो तुम ना मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अगर मैंने तुम्हें अपना असली रूप दिखा दिया ना तो तुम दोनों के दोनों हिल जाओगे। अच्छा हिला रही? हाँ। मरहबा जानशीन, संगे मरमर सा बदन है तुम्हारा। अगर सच कहूं तो यू आर अ स्वीट मीट माट। हाँ अपन का नाम है जेम्स बॉन्ड। चल जल्दी से आके गाल पे दे डाल। चले तूने बोला गाल पे पप्पी मिलेगा रे। ए बाबा एक काम कर तू जेम्स बॉन्ड बन। ओके नो प्रॉब्लम। हट जाओ रॉबर्ट। ये बताओ मोना कहाँ है सोना? क्या अरे भाई मुन्नी बिटिया इधर रे मुन्नी उधर रे। तो क्या है मुन्नी बिटिया? हम जब इतना ही जानना चाहते थे कि ये जो तुम्हारे गले का सुहाग जो है, मतलब ये जो तुम्हारा मंगल सूत्र है, ये कहाँ खो गया है भाई? अगर मुझे उसका आइडिया होता तो मैं तुम दोनों के पास क्यों आती? ए आइडिया की बात मत करना, हम लोग के पास तो बिना आइडिया की भी लड़की आती है। क्यों मैडम? अभी नहीं बाद में। ओ मिस्टर अपना आइटम छोड़ो और मेरा आइटम ढूंढो। अच्छा ठीक है बताओ वो करता क्या है? मैंने सुना है कि वो गुंडा इसी शो में एक्टिंग करता है। वो गोरा है। खोल के बताओ कि वो कौन है, दिखता कैसा? वो तरह तरह की आवाजें भी निकाल सकता है। ओ त्री ये कमाल हो गया यार। क्यों बे ब्लैक कॉमेडी? एक काम करो तो मुझे डिटेल में बताओ। दरअसल क्या है, आई लव डिटेल्स डिटेल्स, छोटे छोटे डिटेल्स। वो कभी कभी कमीनी औरत बन के भी एक्टिंग करता है। क्या कह रही हो? शाबाश बेटी। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि बेटी वो कौन है। वो बिल्कुल बुद्धू है, सीधी बात समझने के लिए बहुत टाइम लगाता है। क्या हुआ? मतलब तू हम लोगों को बातों में काहे भूल जा रही है? तेरे को मालूम है वो कौन है तो साफ साफ बता उसका नाम क्या है। उसका नाम के से शुरू होता है। काले कदम आइला। हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, शायद एस से शुरू होता है। एस से शुरू होता है, समझ गया मैं, एस से शुरू होता है। सिंह अर्चना पूरण सिंह। इस शो में सबसे बड़ा गुंडा यही है। अरे नहीं लेकिन वो आदमी है। आदमी है मालूम है। अरे नहीं वो गुंडा जिसने मेरा सो
सोने का मंगलसूत्र चुराया वो आदमी है। ये तुम दोनों बार बार अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो? माफ करना मोहतरमा, हम करे तो क्या करे, जब जब तुमने हमें हिंट दिया है हमें ऐसा लगा कि तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो, लगा रही हो, लगा रही हो। अरे मैं तुम दोनों पे इल्जाम कैसे लगा सकती हूँ, मैंने उस गुंडे का चेहरा देखा है। एक कदम एक बात बोलूं, इसका कोई मंगलसूत्र खोया हुआ नहीं है। अरे नहीं, मेरा खोया है लेकिन मंगलसूत्र नहीं। तो क्या? मेरा दिल खोया है, जिसे ढूंढने के लिए मैं शो में आई। माइला साहब सब बोलने का ना, हिंट देता हूँ तेरे को। हा? वो अलग अलग आवाज निकाल सकता है। हा? वो बहुत अच्छा भी नहीं करता है। हा? दिखने में हैंडसम डायनामिक है ना, गोरा चिट्टा भी है। ए? ए? मालूम कौन है वो? कौन? अपना शेखर सुमन जी। शेखर जी अभी क्या है बताने का, लड़की का करने का क्या है? आर यू गोइंग टू टेक हर होम और शल्वी? कैसा रहा जासूसी कारनामा? तरह तरह के इल्जाम से कैसे निकला जाए अर्चना। इट वॉज अ गुड एक्ट एंड विभा वेलकम टू द शो। थैंक यू विभा, यू आर क्वाइट कंफर्टेबल विद दीज टू वेटरन्स और आप लोग मिमिक्री से तो बाज आने वाले हो नहीं, और यहाँ आप लोगों ने उसका भरपूर इस्तेमाल किया दोनों ने मिलके एकदम छुटे सांड की तरह, बट इवेंचुअली इट बिकेम वेरी इफेक्टिव। बहुत अच्छा था एक्ट, ये ऐसा स्क्रिप्ट था जो बहुत डिपेंडेंट था आप दोनों की इंटरप्रिटेशन पे, अली एंड वीआईपी, एंड विभा यू गेव फैंटास्टिक सपोर्ट। थैंक यू। But the best part of the act was like cigarette smoking. आप जरा पी के दिखाइए जरा दोबारा और उसको कैच कीजिए। हाँ, right, all right. That was the USP of the act. Yeah. Judges, scores, please. I want to give you a 9. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, guys. अब वो वक्त आ ही गया जब अर्चना और शेखर ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी जोड़ी है आज की बेस्ट परफॉर्मर जोड़ी, जिसे अर्चना ले जाएंगी अपने घर और शेखर का सहरा सजेगा जिसके सर। शेखर अर्चना, इससे पहले कि आप बताएं, मैं सारी जोड़ियों को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। अर्चना, शेखर, प्लीज बता दीजिए। मेरे ख्याल से यू डोंट हैव टू बेंड योर ब्रेन्स टू थिंक दैट आज जो परफॉर्मेंसेस हुए हैं उसमें जो तीन लोग उभर के आए हैं उसमें एक तो है वो चमकीले सूट वाला और एक मरून मफलर वाला और एक कुर्ता पजामे वाला, कृष्णा, सुदेश एंड सुनील। हमारा शो इसीलिए पॉपुलर और फेमस हुआ है कि हमने हमेशा कुछ अलग और कुछ नया सोचने की कोशिश की है। तो लेट्स डू दैट अगेन एंड दिस टाइम आई एम गोना टेक यू थ्री गाइस होम। तो अगले हफ्ते डेट इंडिया डेट आपके लिए फिर लेकर आएगा कॉमेडी का नया तीखा मसाला एक नए ट्विस्ट के साथ। टिल देन गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टेक केयर। We'll be right back.